एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकती हैं? अरे नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा। अरे यार, अंदर आओ। मिस्टर फ्यूरी, मुझे पता है तुम क्या कांड करके आए हो। नहीं 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 सुनिए, पर अभी अपना मुंह बंद रखो। तो बताओ, आखिर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब एडिथ। आई नो मुझसे गलती हुई एंड आई एम सॉरी, पर बैक वो नहीं है जो आपको लगता है। वो झूठा है, मिस्टीरियो, एलिमेंटल सब झूठ है। उसके पास एक इल्यूजन टेक है जिसे वो छलावा पैदा करता है। उसने आप सबको झांसा दिया, मुझे भी दिया, ताकि मैं उसे एडिथ वाला चश्मा दे दूं। ये एक प्रोजेक्टर है, ये मैंने प्राग में लड़ते वक्त छीना था। अच्छा, तो वो सारी तबाही और नुकसान जो हमने देखा, वो इसका बनाया हुआ छलावा था? नहीं, सिर्फ इसका नहीं, वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह, अगर ये सच है तो बैक बहुत खतरनाक है और हमें उसका कुछ करना पड़ेगा। इसके बारे में और किसी को बताया तुमने? पाकर, पाकर, क्या हुआ? बैक वो यहीं पर है। क्या हिल? नहीं, ये कैसे चलाओ? फ्यूरी, क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? फ्यूरी को तुम्हें मारने ही वाला था, पर अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। मेरे सामने आप बैक। मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने कहा तुम्हें छुट्टियां मनानी है, तुमने कहा मुझे उस लड़की का प्यार पाना है। बचाओ मुझे। एमजे, पीटर, ये सब क्या हो रहा है? ये सिर्फ एक इल्यूजन है, छलावा। अच्छा, एमजे, एमजे, तुम्हें असली और नकली का फर्क भी नहीं पता पीटर। जरा अपने आप को देखो तो सही। एक डरे हुए छोटे लड़के हो जिसने घटिया सा कॉस्ट्यूम पहन रखा है। मैंने मिस्टीरियो को बनाया जिसके आगे पूरी कायनात सर झुका है, क्योंकि मैं ही सत्य हूं और सत्य ही मिस्टीरियो है। अगर तुम जरा भी लायक होते तो शायद टोनी आज जिंदा होता। तुम्हारी रूह तक चीख रही है कि तुम गलत हो। चुपचाप अपने रास्ते निकल सकते थे, तुमने अपनी टांग में।
पार्कर जो भी बेक की सच्चाई जानता है वो हर किस बच नहीं सकता, मारा जाएगा। तुमने किस किस को बताया? किसी ना किसी को तो बताया होगा। बस तुम मुझे उसका नाम बताओ। और किसको बताया तुमने? बस मेरे फ्रेंड्स नेट और एमजी को बताया, और नेट ने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया होगा, दैट्स इट। क्या तुम कितने बड़े नासमझ हो? क्या मतलब? वैसे तो समझदार हो, पर हो तो बच्चे ही। तुम्हारे सारे दोस्त भी मरेंगे। तुम अपने आप को जितना चालाक समझते हो उतने हो नहीं। मैं चाहता तो नहीं था, पर अब तुम्हें मरना होगा।